रूम फॉर रेंट। कहानी की शुरुआत में हम जोइस नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जिसके हस्बैंड की अभी अभी छत से गिरने के कारण डेथ हो चुकी होती है, इसलिए अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। खैर, फ्यूनरल के बाद जोइस अपने हस्बैंड के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बैंक में जाती है, जहाँ के मैनेजर से उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले तुम्हारे हस्बैंड ने एक लोन लिया था जिसकी इंस्टॉलमेंट भी बाकी है। इस बात से जोइस बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके हस्बैंड का लोन अब उसे भरना होगा। खैर, अगले दिन जोइस बाहर घूमने के लिए जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। वो अपने घर के पास बने एक पार्क में जाती है, जहाँ स्केटिंग कर रहे लड़के जोइस के साथ बदतमीजी करते हुए उसे परेशान करने लगते हैं। साथ ही वो जोइस को काफी गंदा गंदा बोलते हैं, जिससे जोइस को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो गुस्से में उन लड़कों का एक स्केटबोर्ड उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। यहाँ से जोइस सीधे लाइब्रेरी जाती है, जहाँ उसे एक मैगजीन दिखाई देती है। जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें पैसा कमाने के बारे में लिखा होता है। अब क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो जल्दी से घर जाती है और उस मैगजीन के एड के बारे में इंटरनेट पर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि एड वाली कंपनी रूम्स को रेंट पर देने का काम करती है। असल में वो अपने घर के रूम्स को रेंट पर देकर पैसा कमाने का सोचती है। खैर, जोइस उस एड वाली सर्विस को ले लेती है, इसलिए कुछ समय बाद उसके रूम्स को देखने के लिए एक कपल आता है, जिनके नाम सारा और एडवर्ड थे। जोइस उन दोनों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसके घर में कोई रहने आया था। यहाँ जोइस को सारा का नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एडवर्ड उसके साथ बहुत ही रूडली बात कर रहा होता है। खैर, वो दोनों को उनका रूम दिखाती है और वो वहाँ रहने के लिए रुक जाते हैं। अगले दिन जब जोइस बाहर आती है तो देखती है कि सारा उदास बैठी हुई है। जब वो सारा से उसकी उदासी का कारण पूछती है तो सारा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है। यहाँ सारा भी जोइस से पूछती है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, जिस पर जोइस उसे बताती है कि उनकी पिछले महीने एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये जानकर सारा को जोइस के लिए बहुत दुख होता है, जिसके बाद सारा जोइस के साथ बात करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाती है, जहाँ जोइस बताती है कि मेरे हस्बैंड छत पर कुछ काम कर रहे थे, तब वो गलती से वहाँ से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा सारा अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे पिता की भी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। साथ ही वो बताती है कि वो एक राइटर है। इसके बाद वो दोनों घर पर आ जाती हैं, जहां जोइस बताती है कि मैं अपना बच्चा पैदा करना चाहती थी और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए आज मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जोइस की बातें सुनकर सारा इमोशनल हो जाती है। तभी एडवर्ड वहां जाता है और सारा को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर सारा उसे मना कर देती है क्योंकि एडवर्ड हमेशा अपनी मनमानी करता था। ये देखकर जोइस सारा को माँ की तरह समझाती है, इसलिए सारा एडवर्ड के साथ वहाँ से चली जाती है। इस तरह एक बार फिर जोइस घर में अकेली हो जाती है और नए किराएदार का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह जोइस अपने बिल्ली के लिए फूड खरीदने जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट का सारा पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने पास जमा रखे कुछ क्वाइन से फूड खरीदती है। खैर, जब जोइस घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में वही लड़के मिलते हैं। वो लड़के मिलकर जोइस को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करते हुए उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे जोइस गुस्से में आकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जिससे सभी लड़के लोगों के वहां आने के डर से भाग जाते हैं। यहाँ जोइस के दिमाग पर इस चीज का गहरा असर होता है, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हुआ था। वो सोचती है कि शायद उसका कोई नहीं है, इसलिए लोग उससे परेशान कर रहे हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन सारा जोइस को एक लेटर भेजती है, जिसमें लिखा था कि मैंने एडवर्ड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही हूँ। इस बात से जोइस को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। यहाँ जोइस भी सारा के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें वो बताती है कि मैं होटल की तरह अपने घर के रूम अलग अलग लोगों को रेंट पर देने का प्लान कर रही हूँ, पर अभी उसके रूम के लिए कोई भी किराएदार नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वो अपने रूम्स को रेंट पर देने के लिए बाहर निकलती है और जिसे रूम्स की जरूरत है उसे ढूंढने लगती है। तब लाइब्रेरी में उसे बॉब नाम का लड़का मिलता है, जिसे रूम की जरूरत थी, इसीलिए जोइस उससे कहती है कि मैं रूम को रेंट से देती हूँ और तुम्हें मेरा रूम जरूर देखना चाहिए। जिसके बाद बॉब जोइस के साथ उसके घर जाता है, जहाँ बॉब को रूम पसंद आ जाता है और वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जोइस बॉब के आने के बाद कुछ अजीब हरकतें कर रही होती है,
जैसे वो मेकअप करके अपने आप को सुंदर बनाने और नए कपड़े पहनकर अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो बॉब को पसंद करने लगी है। एक दिन सुबह जॉयस बॉब के लिए कॉफी बनाती है और हम देखते हैं कि वो उसकी कॉफी में अपनी जूठी चम्मच डाल देती है। इसके अलावा जब बॉब वहाँ से चला जाता है तब जॉयस बॉब के रूम में सफाई करने के लिए जाती है और उसकी चीजों का इस्तेमाल करने लगती है। साथ ही वो बॉब के ब्रश का भी यूज करती है, जैसे वो बॉब को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती हो। इसी बीच वहाँ बॉब आ जाता है, पर जॉयस जल्दी से उसके रूम की सफाई करने का नाटक करने लगती है। यहाँ जॉयस बॉब से पूछती है कि क्या तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जिस पर बॉब कहता है कि मुझे सिर्फ फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है। ये जानने के बाद जॉयस बॉब के रूम में एक टीवी लगवाती है ताकि वो फुटबॉल देख सके। जॉयस उस टीवी लगाने वाले आदमी से बात करती है तो हमें पता चलता है कि वो बॉब के आने से खुश है। साथ ही वो उस आदमी से ये कहती है कि उसका बेटा कुछ दिनों के लिए उसके पास आ रहा है और ये टीवी उसी के लिए है। यहाँ जॉयस की बातें कुछ कंफ्यूजन वाली होती हैं, क्योंकि वो उस आदमी से अपने आने वाले ग्रैंडसन के बारे में भी बताती है। इससे लग रहा था कि वो बॉब से अपना बच्चा चाहती है और उसका उस बच्चे को एक ग्रैंडसन की तरह पालने का प्लान है। खैर, शाम को बॉब घर आता है और फुटबॉल मैच देखकर बहुत खुश होता है। तब जॉयस भी वहाँ आती है और बॉब के पास बैठकर मैच को एंजॉय करने का नाटक करती है। इसी बीच जॉयस को परेशान करने वाले बच्चे उसके घर की विंडो पर अंडे फेंक देते हैं, जिससे जॉयस को बहुत बुरा लगता है। ये देखकर बॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे जाकर उन लड़कों को बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर जॉयस बॉब से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड की यादें मिटाने के लिए उसकी चीजों को डस्टबिन में फेंकने लगती है। इसके अलावा वो सारा को लेटर लिखती है और उसे बॉब के बारे में बताती है कि बॉब और वो रिलेशन में हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रह रहे हैं। साथ ही वो सारा को ऐसी ऐसी बातें बताती है जो कभी उसके साथ हुई ही नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक दिन जॉयस को कॉल करती है, जिसमें वो उसके पास आकर 2-3 दिन रहने का कहती है। ये सुनकर जॉयस को बहुत खुशी होती है और वो उसे जल्दी आने को कहती है। अब कुछ समय बाद सारा वहाँ आती है और देखती है कि जॉयस ने अपने घर को पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ तक कि उसने अपने हस्बैंड के रूम से हस्बैंड की सभी चीजें भी हटा दी हैं। इसलिए जॉयस उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत बुरा था क्योंकि वो मुझे मारता था और अब मैं उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। यहाँ सारा जब बॉब को देखती है तो उसे बॉब बहुत पसंद आता है, साथ ही बॉब को भी सारा अच्छी लगती है। पर सारा को लगता था कि बॉब जॉयस का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो बॉब से दूर ही रहती है। खैर, अगले दिन जॉयस सारा के रूम की सफाई करने जाती है, तब वो सारा के लैपटॉप में उसकी नई स्टोरी को पढ़ने लगती है। इस स्टोरी को देखकर जॉयस काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि सारा अपनी अगली स्टोरी जॉयस की लाइफ पर ही लिख रही थी। इसी रात जब सारा सो रही थी तब उसे बाहर से अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ उसे बॉब मिलता है, जो अपने फेस पर लगी चोट पर आइस लगा रहा था। यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब जॉयस दूर खड़ी होकर देख लेती है, जिससे उसे सारा पर बहुत गुस्सा भी आता है। अगली सुबह जब तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं तब जॉयस सारा के साथ बुरा बिहेव करती है और बुरा भला बोलने लगती है। इस बात से सारा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। सारा यहाँ से जॉयस की पड़ोसी ग्लैडिस के पास जाती है और जॉयस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ग्लैडिस बताती है कि जॉयस को बच्चे बहुत पसंद हैं और वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर उसके हस्बैंड को बच्चे पसंद नहीं थे और वो नहीं चाहता था कि जॉयस माँ बने, इसलिए उसने जॉयस का अबॉर्शन करवा दिया था। इधर जॉयस भी सारा और ग्लैडिस को बातें करते हुए देख रही थी। इस बात से उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो सारा को किसी बहाने से अपने पास बुलाती है और पूछती है कि आखिर ग्लैडिस उससे क्या बोल रही थी, जिस पर सारा उसे कुछ भी नहीं बताती। यहाँ सारा को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो इस घर से चली जाती है। वहीं जॉयस ग्लैडिस से मिलने जाती है और उससे बात करते हुए बताती है कि सारा को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, पर वो दोबारा उसके पास चली गई है। यहाँ जॉयस की बातों से समझ आ गया था कि वो सबसे झूठ बोल रही है। इसके बाद जॉयस ग्लैडिस को रेस्ट करने के लिए लिटा देती है और अचानक से उसके मुंह को पिलो से दबाकर उसे जान से मार डालती है, यानी कि जॉयस अब पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। शाम को जब बॉब घर पर आता है तो जॉयस ग्लैडिस की मौत से उदास होकर रोने लगती है। तब
बॉब उसे संभालता है और बाद में सारा के बारे में पूछता है, जिस पर जॉयस झूठ बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई है। इसके बाद हम अगले दिन जॉयस को बॉब का एक पार्सल लेते हुए देखते हैं, जिसे वो बॉब के रूम में रखकर उसके रूम में कुछ ढूंढने लगती है। तब बॉब उसे देख लेता है और उसे जॉयस का बिहेवियर कुछ अलग लगता है, लेकिन जॉयस उसे कुछ बहाना बताकर वहाँ से जाने लगती है। तब बॉब उसे अपने रूम में आने से मना करता है, जिसके बाद जॉयस डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो अपने हस्बैंड की मौत के बाद से परेशान है, इसलिए उसे नींद की कुछ टैबलेट्स चाहिए। इसके बाद जब वो घर आती है तो बॉब को देखकर उससे रूम में जाने के लिए माफी मांगती है, साथ ही उसे झूठ बोलती है कि मेरा एक लड़का था जिसका नाम टॉमी था और उसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी, लेकिन जब से तुम यहाँ आए तो तब से ही मुझे तुम में टॉमी दिखाई देता है और मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। ये सुनकर बॉब को जॉयस का दर्द समझ आता है। इसी बीच जॉयस उसे साथ में डिनर करने को कहती है, जिस पर बॉब हाँ बोल देता है। इसके बाद डिनर के समय हम जॉयस को देखते हैं, जो बॉब की ड्रिंक में नींद की टैबलेट्स मिला देती है और उसके बेहोश होने पर उसके साथ जबरदस्ती करती है। जब सुबह बॉब की नींद खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता और जॉयस उसे बताती है कि कल रात उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे वो बाहर ही सो गया था। इसी दिन जॉयस के घर पर एक आदमी आता है जो बॉब के लिए लेटर लेकर आया था। जब जॉयस उससे बॉब का लेटर लेती है तब वो आदमी उसे देने से मना करता है, क्योंकि वो सिर्फ बॉब को ये लेटर देना चाहता था, पर जॉयस कहती है कि बॉब घर पर नहीं है। तभी अचानक से बॉब उसके पीछे आता है और उस आदमी से अपना लेटर ले लेता है। जब बॉब लेटर को पढ़ता है तो उसे जॉयस के बारे में सब पता चल जाता है, क्योंकि ये लेटर सारा ने भेजा था। इस लेटर को पढ़कर बॉब जॉयस के घर से जाने लगता है। तब जॉयस उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डालती है और उसे अपने बैकयार्ड में दफना देती है। इसके बाद वो सारा को लेटर में लिखती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए घर में रुक सकती हो। लेटर पढ़ने के बाद सारा सीधे जॉयस के घर आती है और बॉब को वहाँ ना देख कर उसके बारे में पूछती है, जिस पर जॉयस झूठ बोलती है कि बॉब एक लेटर को पढ़ने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। खैर, इसके बाद सारा बॉब के रूम की ओर जाती है, जिसका गेट जॉयस ने लॉक किया हुआ था। साथ ही हम उस रूम में देखते हैं जिसे जॉयस ने अपने ग्रैंडसन के लिए सजा कर रख दिया होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद वो सारा को अपनी बेटी मानकर उसके और बॉब के बच्चे को अपना ग्रैंडसन बनाना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।